ये एक अच्छी जीत थी आपकी टीम के लिए, तो क्या प्लानिंग थी आपकी और इस मैच को कैसे समझते हैं आगे फाइनल की जाने की तैयारी में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई, फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बीच में स्पिनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और उसके बाद बैटिंग हमारी, बैटिंग में ये था कि हर प्लेयर को ये कह रहे थे कि टाइम लेना विकेट पे और थ्रो आउट एंड तक लेके जाना है, वही हुआ। मोहम्मद शहजाद बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने और बड़ा अच्छा हमें उन्होंने सेट करके दिया एक। उसके बाद वो अहमद खान ने बड़ा अच्छा फिनिश किया, एक्सीलेंट उसकी इनिंग थी और बड़ा काम रहा, एंड तक लेके गया और बड़ी अच्छी इनिंग खेल के उसने फिनिश किया। और ये राइट, शहजाद आज आपको मैन ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द मैच इस क्रूशल मैच में, तो अपनी इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं? आई थिंक बिल्कुल, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद बड़ा मैच था इंडिया के साथ और मेरा ड्रीम था कि मैं इस मैच में अपना ऐसा कंट्रीब्यूशन करूं कि पाकिस्तान उससे जीते, तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं बहुत कम है और मैं फीलिंग्स आपको बता नहीं सकता कैसी है इस टाइम। थैंक यू वेरी मच जीशान, आज आपका एक बेहतरीन स्पेल देखने को मिला इंडिया अंडर 19 टीम के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप 2021 में, तो अपनी बॉलिंग को कैसा रेट करते हैं और इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बेहिसाब शुक्र है कि उसने साथ दिया मेरा। बाकी मैं सोच के आया था इंशाल्लाह कि इंडिया के अगेंस्ट मैंने 5 आउट करने ही है, तो जो प्लान करके आया था अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे फॉलो किया, उसी प्लान को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया।